अनन्या ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि एक सलवार से दूसरी सलवार का नाप कैसे लेते हैं। ये हमारी सलवार की लेंथ है और इसे हम ऐसे नापेंगे, ऐसे करके, और यहाँ एक अंगूर का निशान लगा के यहाँ पे हम कट लगाते हैं। ये हो गई हमारी दो पट्टियां, बीच में से कट लगाते हैं। इन्हीं पट्टियों की मदद से हम कलियां काटेंगे। ये हमारा फोल्ड हुआ कपड़ा है, ऐसे, फिर एक बार ऐसे और फोल्ड करेंगे। फिर हम इसे ऐसे करेंगे। अब इसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखना है कि यहाँ पे हमें जॉइंट करने के लिए करीब इतनी जगह छोड़ रही है दो अंगुल की, दोनों साइड से, इधर भी ऊपर के नापना है। और यहीं से हमें ऐसे करके कट लगाते हुए जाना है, कपड़ा बीच में से काटना है हमें। यहाँ पे जो जॉइंट है वो कट करना है ऐसे। ये उठा के हमें ऐसे रखना है। ये तो हमारी लेंथ है यहाँ पर, और इधर हमारी आसन बनेगा। आइए आसन भी नापते हैं इसी सलवार से कैसे नापेंगे। यूं पकड़ के यहाँ से यूं रखना है, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमें काटना है। ये जॉइंट भी काटना है। ये आसन हो गया, इधर से हमें जॉइंट करनी है जो भी हमने पट्टी काटी थी उनमें।
और ये हो गई हमारी जो बचा हुआ कपड़ा था उसकी बेल्ट। बेल्ट भी नापते हैं। ये लंबाई और ये बेल्ट की ऐसे चौड़ाई, तो ये हमें सिलने में चली जाएगी हमारी, तो बेल्ट हमारी ऐसी बच जाती है। वो सीधा कर लेंगे इस कपड़े को। ये हो गई हमारी बेल्ट और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम निकालेंगे मोहरी। ऐसे काट लेंगे। ये जॉइंट करके मोहरी हो जाएंगी दोनों।